नमस्कार, आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। उमरिया जिले में कोरोना काल के दौरान नवरात्रि पर्व पर पुलिस अधीक्षक विकास कुमार शाहपाल के निर्देशन में सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कोतवाली TI ज्ञानेंद्र सिंह एवं उनकी पुलिस टीम के द्वारा शहर विभिन्न मार्गों से होकर फ्लैग मार्च निकाला गया, जहाँ कोतवाली TI ने शहर की व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए भ्रमण किया एवं सड़क पर सामग्री रखकर दुकान लगाने वाले व्यापारियों को सड़क मार्ग अवरुद्ध न करने की समझाइश देकर उनसे कहा कि आगामी समय में अगर कोई भी व्यापारी नियमों का पालन न करते हुए अपनी सामग्री सड़क पर रखकर व्यापार करता है तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसकी संपूर्ण जवाबदेही उस व्यापारी की होगी। वही पुलिस के द्वारा स्थानीय लोगों एवं व्यापारियों सहित वाहन चालकों से अपील की जाती है कि किसी भी प्रकार से सड़क मार्ग अवरुद्ध न करते हुए नियमों का पालन करें, अन्यथा संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। मतलब है कि जिले में पुलिस कार्रवाई के बाद भी कुछ लोगों के द्वारा नियमों का पालन नहीं किया जा रहा, जिसके कारण यातायात बाधित हो रहा है। लोग पार्किंग स्थल पर वाहनों को न खड़ा करके सड़कों पर वाहन खड़ा कर रहे हैं एवं व्यापारियों की सामग्री सड़क पर रखी जा रही है, जिसके कारण आए दिन एक्सीडेंट की घटनाएं हो रही हैं। सभी लोग नियमों का पालन करें, जिससे सुरक्षा व्यवस्था कायम रहे एवं सभी लोग सुरक्षित रहें। पेज उमरिया से शंकर सिंह चंदेल की एक खास रिपोर्ट। ये मुझे देख करके बहुत खुशी हो रही है कि बड़े दिनों बाद सड़क पर पुलिसिंग दिखाई दे रही है। एक बेसिक पुलिसिंग है कि हमारा यातायात ठीक हो, वाहन सही जगह पर खड़े किए जाएं, सड़क पर अनावश्यक तरीके से बाजार न लगाई जाए। जो दुकानदार सड़क पर अपना बोर्ड रखते हैं, सामान रखते हैं, उनके ऊपर चालानी की कार्रवाई की जाए, उनके ऊपर प्रतिबंधक कार्रवाई की जाए या उनको समझाइश दे करके समझाया जाए कि वो अपना सामान दुकान में रखें। सड़क चलने के लिए होती है, दुकान रखने के लिए नहीं होती है। लेकिन होता बिल्कुल ये है कि सड़क पर आधी दुकान सड़क पर आ जाती है। ये खराब बात है। इसमें व्यापारी संघ को स्वयं सेल्फ रेगुलेटरी एक्शन लेना चाहिए, प्रशासन को भी एक्शन लेना चाहिए, लेकिन अभी तक उस पर कोई नगर पालिका की ओर से या पुलिस की ओर से कभी समझाइश देने के अलावा कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन होता ये है कि व्यापारी समाज कभी भी समझाइश के अनुरूप पालन नहीं करता। कुछ लोग करते हैं लेकिन ज़्यादातर लोग उसकी अवहेलना करते हैं। होना ये चाहिए कि एक दिन दो दिन समझाइश के बाद देखा जाए, अगर लोग नहीं मानते हैं तो उनमें लीगल एक्शन लिया जाए। पर लीगल एक्शन के नाम पर प्रशासन हमेशा बैकफुट पे चला जाता है, तो ये अच्छी बात है। सुखद ये है पुलिसिंग दिखाई दे रही सड़क पर। दो आज तीसरा दिन है, मैंने भी देखा है कि फ्लैग मार्च निकाला गया है और जो यहाँ के टाउन इंस्पेक्टर हैं उन्होंने मौखिक रूप से लोगों को हिदायतें दी हैं, समझाइश दी हैं। ये देखना टाइम टेकिंग है कि इसका कितना परिपालन होता है और अगर नहीं होता है तो पुलिस उस पर क्या एक्शन लेती है। चूँकि ये उमरिया जिला मुख्यालय है, यहाँ पे भीड़ का भी दबाव है, व्यापार का भी दबाव है, लोग आते हैं। बहुत छोटा सा शहर है, मुख्य जो मार्ग है गांधी चौक से सभी तरफ से लोग आते हैं और वहाँ कहीं ना कहीं लोग अपने वाहन खड़े कर देते। इसको देखते हुए बहुत पहले, आज से दो चार साल पहले यहाँ पे मंगल भवन के पास एक पार्किंग प्लेस बनाया गया था नागरिकों के सलाह पे, मगर वो ज़्यादा कारगर नहीं हुआ। अभी नए जो हमारे TI साहब आए हैं ज्ञानेंद्र सिंह जी भी, उनके द्वारा अभी प्रयास किया गया है पुनः उसी मतलब कि हमारे समुचित तरीके से चले, सुव्यवस्थित रहे, लोग अपनी जो वाहन हैं वो रोडों में न खड़ी करें, जो व्यापारी हैं अपना सामान बाहर न रखें जिससे लोगों को आने जाने में सुविधा हो, एक्सीडेंट ना हो। इन सब के लिए उन्होंने काम किया, निश्चित रूप से सराहनीय। और भविष्य में भी हम प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से और व्यापारियों नागरिकों से भी आग्रह करते हैं कि जो सरकार के नियम बनाए गए हैं उसमें हम लोग सभी लोग पालन करें और एक दूसरे को सहयोग करें। आज चूँकि विजयदशमी, इस अवसर पर हम सभी को शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं, सभी से आग्रह करते हैं कि आप लोग मैंने मनुष्यता त्याग कर एक भाईचारा का प्रतीक दें। उमरिया शहर वैसे भी अच्छा है और पुलिस प्रशासन से भी आग्रह करते हैं कि जो आपराधिक घटनाएं घटती हैं उनमें भी अंकुश लगाने का प्रयास करें। समाज में नागरिक और प्रशासन एक साथ मिलकर चलेंगे तभी एक स्वच्छ समाज बन सकता है। पुलिसिंग लगातार प्रक्रिया जारी रहेगी। अभी कुछ दिन पहले भी निकला था मैं अपने स्टाफ के साथ भवन में, त्यौहार का सीजन चल रहा है, जगह जगह पर हर मोहल्ले में नगर में माता रानी का पंडाल बना हुआ है, वहाँ भीड़ भाड़ हो रही है, तो उसके मद्देनज़र भीड़ भाड़ को व्यवस्थित करने और साथ ही कस्बा उमरिया में जो दुकानदार हैं जो सड़क के आगे अतिक्रमण कर लेते हैं, उस पर सामान रख लेते हैं, तो उनको मैंने कुछ दिन पहले समझाइश दिया था, तो अधिकांशतः लोगों ने मान लिया है, उसका समझाइश का पालन कर रहे हैं। कुछ लोग फिर भी नहीं माने हैं तो उन पर मेरे द्वारा चालानी कार्रवाई की गई है
और इसके बावजूद भी यदि उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा तो फिर वैधानिक और कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी और ये हमारी प्रक्रिया सतत जारी रहेगी। नगरवासी व्यापारी जिनों को से निवेदन है, मेरी अपील है कि जगह का सदुपयोग करें, अपने दुकान जो है उसके अंदर सामान रखें। रोड सरकार ने चलने के लिए बनाई है जिससे आम पब्लिक का रास्ता बाधित ना हो, इसका समुचित रूप से ध्यान रखें। मेरी उनसे अपील।